आईओटी स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मैक जो प्रोटोकॉल है मीडिया एक्सेस कंट्रोल उसका हमने डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, ओके सो दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। उसमें हमें दो मेन प्रोटोकॉल्स पे फोकस करना है। फर्स्ट वन इज़ द HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड सेकंड वन इज़ द HTTPS। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स हमें डिटेल में पढ़ना है। सो दे आर द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट लेयर इन TCP/IP प्रोटोकॉल। तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं कि TCP एंड UDP के पोर्ट्स क्या होते हैं। TCP इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP इज़ द यूज़र डिफाइंड प्रोटोकॉल। ओके, सो इन दिस फर्स्ट, व्हेन यू सेंड अ TCP/IP मैसेज ओवर द इंटरनेट यू हैव टू सेंड इट ऑन द राइट पोर्ट। ठीक है, तो TCP/IP में जो मैसेज है या जो इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, ओके सो दैट हैव टू सेंड टू द राइट पोर्ट्स। मीन्स इफ सेंडर सेंड्स सम इंफॉर्मेशन मैसेज, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी अ डेटा, इट कैन बी इन वर्ड फॉर्मेट, इट कैन बी अ वीडियो, इट कैन बी एन ऑडियो, ओके सो दैट इज़ टू बी सेंड टू द रिसीवर। सो थ्रू इंटरनेट इट कैन सेंड टू द राइट पोर्ट बिकॉज इन नेटवर्क देर आर डिफरेंट मशीन्स आर कनेक्टेड। ठीक है, तो नेटवर्क में क्या है, बहुत सारे मशीन्स कनेक्ट है। सो व्हेन वन मशीन वांट्स टू सेंड अ मैसेज और डेटा टू अनदर मशीन, सो इन दैट केस इट विल रूटेड टू दैट मशीन्स, ओनली दैट मशीन। ओके, मीन्स अगर कंप्यूटर वन को अगर कंप्यूटर टू को डेटा सेंड करना है, उस सिचुएशन में नेटवर्क में सपोज देर आर फोर मशीन्स आर देयर, ओके सो ये जो डेटा है ये एक मशीन से दूसरे मशीन में, जैसे कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर फर्स्ट से सेकंड में सेंड करना है वो रिसीव हो रहा है फोर्थ पे, थर्ड पे, इस तरह से नहीं होगा। सो दैट इज़ द मीनिंग। ओके, सेकंड पॉइंट, TCP पोर्ट्स आर रेफर्ड बाय नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स का रेंज दिया है। सो जीरो इज़ द मिनिमम नंबर एंड 65,335 इज़ द मैक्सिमम नंबर। ओके, सो दैट इज़ द TCP पोर्ट्स, मीन्स दीज आर द नंबर ऑफ पोर्ट्स। सो दैट इज़ द रेंज ऑफ पोर्ट्स इज गिवन, द मिनिमम इज़ जीरो एंड मैक्सिमम 65,535 इज़ द नंबर। सो इतने सारे इसमें पोर्ट्स है TCP में, तो कोई भी नंबर हम असाइन कर सकते हैं ये रेंज के बीच में, दैट इज़ द मीनिंग। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है HTTP पोर्ट्स का। HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज़ द वन ऑफ द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड एप्लीकेशन लेयर आपको पता है कि मीन्स ये क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र, इसका नाम ही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। सो इट इज़ द प्रोटोकॉल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, जो हमने OSI एंड TCP/IP में पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, सो दैट इज़ द ट्रांसफर लेयर। सो इन दिस, इफ द ब्राउजर रिक्वेस्ट एंड HTTP पेज, मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पेज, इट यूजुअली सेंड्स द रिक्वेस्ट टू पोर्ट 80। ठीक है, तो जैसे आपने मोबाइल में भी अगर आपने देखा है, देखा होगा कि एक प्रोफाइल बनता है, जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, जो भी सिम आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक इंटरनेट का सेटिंग होता है, तो वहाँ पे दिया रहता है पोर्ट। सो दैट डिफ़ॉल्ट पोर्ट इज़ पोर्ट 80। ठीक है, सो दैट इज़ अ रिक्वेस्ट टू बी सेंड टू एक्सेस द HTTP पेज, द वेब सर्वर इज़ लिसनिंग टू दैट पोर्ट एंड देयरफॉर रिप्लाइज टू इट। मीन जो वेब सर्वर है उसके थ्रू जो रिक्वेस्ट आएगी पोर्ट 80 थ्रू, उसी को वो क्या करेगा, लिसन करेगा या प्रोसेस करेगा। जैसे अभी आप सर्वर, मीन्स आप क्लाइंट हो, ठीक है, एंड आपने कुछ रिक्वेस्ट सेंड किया, सपोज मुझे गूगल पेज फाइंड करना है, तो मैं टाइप करूँगा ब्राउज़र में www.google.com, तो आपने क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड किया, कहाँ पे, गूगल के सर्वर पे। ठीक है, तो वो जो रिक्वेस्ट है पोर्ट 80 थ्रू क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा वेब सर्वर थ्रू, आपका रिक्वेस्ट टूवर्ड्स द सर्वर। ठीक है, एंड उसी हिसाब से सर्वर से क्या आएगा, रिप्लाई आएगा, रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद वहाँ से रिप्लाई आएगा टू द क्लाइंट, एंड देन आपके मोबाइल पे या ब्राउज़र पे आपको उसका होम पेज दिखेगा गूगल का, जो आपने रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, इफ़ यू सेंड अ HTTP मैसेज टू अ डिफरेंट पोर्ट, वन ऑफ द सेवरल थिंग विल बी हैपन।
तो यहाँ पे सिनेरियो दिया है, अगर आप दूसरे पोर्ट के लिए मैसेज सेंड करते हो तो यहाँ पे अलग अलग जो थिंग्स है तो वो यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है। फर्स्ट, नथिंग इज़ लिसनिंग टू दैट पोर्ट एंड मशीन रिप्लाइज दैट RST पैकेट विथ अ कंट्रोल सिक्वेंस रीसेटिंग द TCP/IP कनेक्शन टू कंप्लेन अबाउट दिस। अगर आप डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ कर रहे हो पोर्ट 80 एंड दूसरे पोर्ट से अगर रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है सो दैट इज़ अ रीसेट, RST पैकेट इज़ देयर। ओके, सेकेंड पॉइंट, नथिंग इज़ लिसनिंग टू दैट पोर्ट बट फायरवॉल लेट्स द रिक्वेस्ट सिंपली हैंग इंस्टेड ऑफ रिप्लाई। ठीक है, तो आपको पता है कि कंप्यूटर में फायरवॉल होता है। ठीक है, तो अगर आप दूसरे पोर्ट से अगर ये रूट करते हो मैसेज वेब सर्वर को, ठीक है, तो फायरवॉल यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा कि हैंग इंस्टेड ऑफ रिप्लाई, सो दैट विल बी हैंग, फायरवॉल विल बी हैंग। ओके, नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज़ डिसाइड दैट ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज टू दैट पोर्ट इज़ अ बैड आइडिया एंड रिफ्यूजेस टू डू इट, लिस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड पोर्ट्स। तो ये जो पोर्ट है डिफॉल्ट पोर्ट 80, सो दैट इज़ अ डिफॉल्ट पोर्ट। ठीक है, वहाँ पे आप सेटिंग चेंज भी कर सकते हो, अलग अलग पोर्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे जो नंबर है 02-65535, दीज आर द नंबर्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, तो किसी भी पोर्ट थ्रू आप वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, द मैसेज अराइव एट अ पोर्ट दैट इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग अदर देन HTTP मैसेज। तो ये जो मैसेज अराइव होगा एट दैट पोर्ट इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग अदर देन HTTP मैसेज, तो उसे एज अ अदर देन HTTP मैसेज वो कंसिडर करेगा। द सर्वर रीड्स द क्लाइंट रिस्पॉन्स, डिसाइड दैट इट्स गार्बेज एंड देन टर्मिनेट्स द कनेक्शन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ये कब एग्जीक्यूट्स होंगे, इफ़ यू यूज़ द अदर पोर्ट इंस्टेड ऑफ पोर्ट 80। ठीक है, पोर्ट 80 इज़ द डिफॉल्ट पोर्ट थ्रू विट द रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट इज गोज टू द सर्वर, बट इफ़ यू यूज़ द डिफरेंट पोर्ट, जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, डिफरेंट पोर्ट अगर ए पोर्ट 80 छोड़ के आप यूज़ करते हो, सो दीज आर द सीनैरियोज, डिफरेंट सीनैरियोज विल बी हैपन। तो ये सब पॉइंट्स कंसिडर होंगे। तो इसमें ये पॉइंट है मेन, द मैसेज अराइव एट द पोर्ट इज दैट इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग अदर। तो इसका मीनिंग ये होगा, अगर आप अदर पोर्ट से अगर रिक्वेस्ट सेंड करते हो क्लाइंट टर्मिनल से, तो वो क्या कंसिडर करेगा, ये HTTP मैसेज नहीं है, हार्पेटेंस टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैसेज नहीं है, ये कुछ अलग है। ठीक है, अलग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो। एंड द सर्वर रीड्स द क्लाइंट रिस्पॉन्स, और जो आपने रिस्पॉन्स मीन्स रिक्वेस्ट सेंड किया है सर्वर को, तो वो क्या करेगा, जो उसको प्रोसेस करके जो रिस्पॉन्स सेंड करेगा दैट डिसाइड्स द गार्बेज। ठीक है, मीन्स वो उसे एज अ गार्बेज कंसिडर करेगा एंड जो भी कनेक्शन है उसे टर्मिनेट कर देगा। मीन्स बहुत से बार क्या होता है, रिक्वेस्ट अगर फेल हुआ तो वहाँ पे सर्वर टाइम आउट का ऑप्शन आता है ब्राउज़र में। ठीक है, मीन्स एक टाइम लिमिट है, जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो आपके मोबाइल से, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से या टैब से, ठीक है, तो वहाँ से जो रिक्वेस्ट जाएगा और रिस्पॉन्स जो आएगा सर्वर का, उसके लिए एक टाइम डिसाइड है। अगर उतने टाइम में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं आता है सर्वर साइड से, तो वहाँ पे टाइम आउट का ऑप्शन आता है। तो आप क्या कर सकते हो, रिफ्रेश करके वापस रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे अराइज होगा इन लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो उसे वो गार्बेज कंसिडर करेगा एज अ, अगर आप दूसरे पोर्ट से अगर रिस्पॉन्स वहाँ पे या रिक्वेस्ट सेंड करते हो। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द TCP एंड UDP पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो इसका हमें डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज द लेयर यू आर ऑलमोस्ट लाइकली टू इंटरेक्ट विथ वाइल प्रोटोटाइपिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग का जो प्रोजेक्ट रहेगा या प्रोटोटाइपिंग रहेगा, डिजाइनिंग रहेगा, ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, थ्रू दैट यू कैन इंटरेक्ट विद द IoT प्रोजेक्ट। ठीक है, मीन जिस तरह से एप्लीकेशन है या ऐप है, तो ऐप में जो UI यूज़र इंटरफेस, तो ग्राफिकल्स आइकॉन्स उसमें बने हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द ऐप, तो उसके थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसके बैकएंड में क्या है, कोडिंग है। ठीक है, जैसे जावा यूज़ किया है,
या सी शार्प है, डॉट नेट है, ठीक है, जो भी प्लेटफॉर्म वहाँ पे यूज़ हो रहा है, पाइथन है, ठीक है, बट उससे इंटरेक्ट किसके थ्रू कर रहे हो आप? एप्लीकेशन थ्रू. ऐप, ऐप में क्या है? यूआई, यूज़र इंटरफेस, उसमें कुछ मेनूज है, आइकॉन्स आर देयर, तो उसके थ्रू आप क्या हो रहे हो? इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एंड इट यूजेस द इंटरनेट, ठीक है. सो दैट इज़ द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है. सेकंड, अ प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स. तो ये सिंपल डेफिनेशन है प्रोटोकॉल का. प्रोटोकॉल मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर डिफाइंड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, ठीक है. दो मशीन में अगर कुछ डेटा एक्सचेंज करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है, सो देर आर सम रूल्स, बिना रूल्स के काम नहीं होगा, ठीक है. तो वो जो रूल्स है दैट इज़ नथिंग बट द प्रोटोकॉल. तो यही आपका TCP/IP है, UDP है, आगे जो पढ़ेंगे हम HTTP, HTTPS, तो ये सब प्रोटोकॉल्स है, ठीक है. थर्ड, इट इंक्लूड्स द रूल अबाउट हाउ टू इनिशिएट कन्वर्सेशन एंड व्हाट द फॉर्मेट द मैसेज शुड बी इन, ठीक है. तो इसमें दो ही चीज़ें, एक तो कन्वर्सेशन कैसे होगा, जैसे कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी को कुछ फाइल सेंड करना है, या कंप्यूटर बी को कंप्यूटर ए को कोई फाइल सेंड करना है, या डेटा सेंड करना है, या इन्फॉर्मेशन और मैसेज, ठीक है. एट दैट टाइम व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ दैट मैसेज, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा. ऐसा नहीं कि आप वॉइस सिग्नल सेंड कर रहे हो, फॉर्मेट अलग है, वीडियो का अलग रहेगा, वर्ड फाइल का अलग रहेगा, ठीक है, मीन्स कैसे भी नहीं होगा. तो उसका एक डिफाइंड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ही वो फाइल सेंड होगा फ्रॉम ए कंप्यूटर टू द बी कंप्यूटर और बी कंप्यूटर टू द ए कंप्यूटर. सो दैट इज़ द रूल्स और दैट इज़ द प्रोटोकॉल ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द टू कंप्यूटर्स और द टू मशीन्स, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इट डिटरमाइंस व्हाट इनपुट्स आर अंडरस्टूड एंड व्हाट आउटपुट इज ट्रांसमिटेड. तो इसमें क्या होगा कि क्या इनपुट्स है पहले वो उसको फाइंड करेगा, ये उसको अंडरस्टैंड करेगा कौन से फॉर्मेट में है फाइल, ठीक है, वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, देन व्हाट इज़ द आउटपुट टू बी ट्रांसमिटेड. तो इसको उसका जो आउटपुट रहेगा मीन्स ट्रांसमिट करना है तो किस फॉर्म में ट्रांसमिट करना है, ए मशीन से बी मशीन तक जो रिसीव होगा, ठीक है, तो उसे किस फॉर्म में ट्रांसमिट करना है थ्रू द इंटरनेट, तो ये सब डिसाइड करने का काम प्रोटोकॉल्स करते हैं, ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट इज, इट ऑल्सो स्पेसिफाइज हाउ द मैसेज आर सेंड, मीन्स मैसेज कैसे सेंड करना है नेटवर्क पे, सेंडर मशीन से रिसीवर मशीन में जो रिसीव होगा तो उसको किस फॉर्मेट में सेंड करना है, एंड ऑथेंटिकेट एंड हाउ टू हैंडल एरर्स कॉज बाय ट्रांसमिशन. तो ये तीनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैसेज को कैसे सेंड करना है सेंडर मशीन टू द रिसीवर मशीन, फर्स्ट. सेकंड पॉइंट, ऑथेंटिकेशन मीन्स जैसे हम जीमेल लॉगिन करते हैं तो उसका एक आईडी पासवर्ड होता है, ऑथेंटिकेट मीन्स कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है, जब तक पासवर्ड आपका मैच नहीं होता है तब तक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं होगा. तो ऐसे ही यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन होगा जब दो कंप्यूटर्स में डेटा सेंड होगा, ठीक है. एंड थर्ड, हाउ टू हैंडल द एरर कॉज बाय ट्रांसमिशन. अभी जो ट्रांसमिट हो रहा है डेटा ए मशीन से बी मशीन में, तो वो हो रहा है थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है. तो ट्रांसमिशन मीडियम का कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी सीएन में हो चुका है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में. इट कैन बी अ वायर्ड और वायरलेस, ठीक है. तो दोनों कंडीशन में नॉइस अफेक्ट करेगा, उसमें डिजिटल सिग्नल है, बाइनरी इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोज, ठीक है. तो क्या होगा अगर नॉइस उसमें अफेक्ट करेगा, एनवायरमेंटल नॉइस, तो उस हिसाब से क्या होगा, बीट्स चेंज हो सकते हैं, मीन्स दैट इज़ द एरर. आपने वन सेंड किया वहाँ पे जीरो रिसीव हुआ रिसीवर में, सो दैट इज़ द एरर. मीन्स इस तरह के एरर्स को किस तरह से हैंडल करें, एक तो पॉसिबिलिटी ड्यू टू द नॉइस, सेकंड हो सकता है कि पैकेट्स में डिले हो गए, पैकेट्स आर ओवरलैप, ट्रैफिक है नेटवर्क में, ठीक है, तो पैकेट जो है वो रिसीव होंगे डिले से, तो उसे किस तरह से रिसीवर पे रीअसेंबल करना है, या अगर कोई पैकेट में एरर आ गया तो उसे रिट्रांसमिट कैसे कराना है सेंडर से रिक्वेस्ट सेंड करके. तो ये सारे एग्जाम्पल से एरर के, तो इस तरह के एरर किस तरह से हैंडल करना है इसके सभी रूल्स प्रोटोकॉल्स में, जैसे HTTP एंड HTTPS में, ठीक है. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, ठीक है. तो प्रोटोकॉल्स इज नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है.
जैसे अगर आपको अगर पूछा व्हाट इज माय प्रोटोकॉल, सो प्रोटोकॉल इज नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स फॉर द कम्युनिकेशन, दैट इज द इजी डेफिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। देन फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज द HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, सो इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज द क्लाइंट रिक्वेस्ट अ रिसोर्स बाय सेंडिंग अ कमांड टू URL, ठीक है, URL इज नथिंग बट द यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर दैट इज अ URL। जैसे आप कोई भी वेबसाइट को अगर आप एक्सेस करते हो तो आप URL, उसका जो यूनिक URL है, ठीक है, वो आप आपके ब्राउज़र में क्या करते हो, पुट करते हो, ठीक है, विथ सम हेडर्स, ठीक है, तो उसमें हेडर भी होता है, हेडर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्राई टू गेट अ सिंपल डॉक्यूमेंट एट http://book.rumothings.com, ठीक है, दैट इज़ द वेबसाइट, hello.txt, txt फॉर्मेट, .txt, ठीक है, सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। जैसे अगर आपको गूगल फाइंड करना है तो आप www.google.com, सो दिस इज़ द URL ऑफ गूगल सर्च इंजिन, ठीक है, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये सिंगल कमांड है HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, ठीक है। सेकंड, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रिक्वेस्ट वुड लाइक दिस, दैट इज़ गेट hello.txt http://1.1, मीन्स इट इज़ अ होस्ट book.rumothings.com, ठीक है, तो ये गेट है, इसमें कुछ रिस्पॉन्स होते हैं, गेट रिस्पॉन्स, ठीक है, रिक्वेस्ट, तो ये गेट है, GET गेट, ठीक है, सो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिक्वेस्ट सेंडिंग थ्रू द HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थर्ड, वी स्पेसिफाइड द गेट मेथड बिकॉज वी आर सिंपली गेटिंग द पेज, ठीक है, मीन्स सपोज़ आपको अगर सर्च इंजिन आपको सर्च इंजिन एक्सेस करना है गूगल का, www.google.com, तो आप क्या कर रहे हो, गेट कर रहे हो, मीन्स सिंपली सेटिंग द पेज, मीन्स आप स्पेसिफाई कर रहे हो, सो HTTP में वो एज अ गेट कंसिडर होगा, GET, मीन्स गेटिंग द पेज, ओके, सो दैट इज़ द थिंग। Then next point is when then tell the server which resource we want, that is hello.txt, and what version of protocol we are using. तो यहाँ पर जो example दिया है, यहाँ पर HTTP 1.1 is the version, 1.1 is nothing but the version of HTTP, ठीक है, तो जिस तरह से ऐप में अपग्रेड्स आते हैं तो वर्जन चेंज होता है, जैसे अभी बेसिक वर्जन है सपोज 1.1, उसमें अगर कुछ अपग्रेड किया तो नेक्स्ट वर्जन होगा 1.2, 1.3, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया है गेट हेलो के लिए, ठीक है, सो दिस 1.1 इज़ नथिंग बट द वर्जन ऑफ द प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पॉइंट, वी राइट द हेडर्स विच गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट, तो जैसे हम CN में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हेडर, ठीक है, तो हेडर में क्या होता है आपका, बेसिकली देन नेक्स्ट पॉइंट इज द होस्ट हेडर इज ओनली रिक्वायर्ड हेडर इन HTTP 1.1, तो ये जो वर्जन HTTP का 1.1, ठीक है, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हेडर के, UTF ये फाइल फॉर्मेट है UTF, ठीक है, देन एक्सेप्ट इनकोडिंग GZIP, एक्सेप्ट लैंग्वेज ENUS मीन्स इंग्लिश US का, ठीक है, जैसे इंडिया का भी इंग्लिश आता है वैसे सिंपल जो डिफॉल्ट US का इंग्लिश यहाँ पे एज अ लैंग्वेज सिलेक्ट हुआ है, सो दीज आर द एग्जाम्पल, ठीक है। द एक्सेप्ट हेडर टेल्स द सर्वर व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट द क्लाइंट इज विलिंग टू रिसीव, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया एक्सेप्ट का, ये जो मैंने सर्कल किया है, तो इससे क्या पता चलेगा इस टाइप के हेडर से कि सर्वर में व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट्स द क्लाइंट इज विलिंग टू रिसीव, मीन्स क्लाइंट को कौन सी कंटेंट्स रिसीव करना है, ठीक है, तो ये यहाँ से पता चलेगा एक्सेप्ट से, एंड आर पार्ट ऑफ कंटेंट निगोसिएशन का ये पार्ट है, ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मेट्स गिवन,
So that is the hypertext transfer protocol HTTP, which is the application layer protocol. तो उसके बाद क्या होगा, ये जो रिक्वेस्ट रिसीव होगा सर्वर पे फ्रॉम क्लाइंट, देन आफ्टर दैट द सर्वर विल प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट एंड गिव्स द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वेस्ट. ओके, सो इस तरह से HTTP वर्क करता है. सो योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल is defined as the hypertext transfer protocol is an application protocol for distributed collaborative hypermedia information system that allows the user to communicate data on www platform, that is world wide web, means internet. ठीक है, तो URL में जैसे हम डालते हैं www.google.com, so that is the www is nothing but the world wide web. तो इस platform में यूजर कैसे कम्युनिकेट करेगा फॉर द डेटा, इट इज डिफाइंड बाय दिस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTTP, जरूरत क्या है HTTP का. ठीक है, सो HTTP वाज इन्वेंटेड अलोंग साइड HTML. HTML इज नथिंग बट द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, टू क्रिएट द फर्स्ट इंटरेक्टिव टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर. आपको पता है कि जो स्टैटिक्स पेज बनते हैं वेबसाइट के, वो HTML में बनते हैं, हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज. देर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट आर क्रिएटेड बेसिकली, स्टैटिक वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट. ओके, स्टैटिक वेबसाइट जनरली यूज़ करते हैं HTML लैंग्वेज, जो टैग बेस है. ठीक है, उसमें क्या है, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, स्टैटिक पेजेस होंगे. और जनरली सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन अगर देना है क्लाइंट को, तो उस हिसाब से वो स्टैटिक वेबसाइट डिज़ाइन होता है. ठीक है, दूसरा होता है डायनेमिक. डायनेमिक में क्या होता है, यू कैन इंटरेक्ट, जैसे आप वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में फॉर्म अगर फिलअप करोगे, या आपका जो क्यूरी है, रिक्वेस्ट है, वो अपने आप चला जाएगा सर्वर पे, मीन्स डायनेमिकली फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप. ठीक है, तो ये सब डायनेमिक नेचर है वेबसाइट का. ठीक है, द ओरिजिनल www टूडे द प्रोटोकॉल रिमेन्स वन ऑफ द प्राइमरी मीन्स ऑफ यूजिंग द इंटरनेट. तो जैसे हमने बात की थी कि ये HTTP जो है वो बेसिक प्रोटोकॉल है इंटरनेट पे. ठीक है, देन हाउ डज द HTTP वर्क, काम कैसे करता है, एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि सेंडर एंड रिसीवर में जिस तरह से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो उस मॉडल पे बेस है आपका HTTP. सो HTTP gives the user to way to interact with web resources such as HTML files by transmitting hypertext message between clients and server. तो HTML जो फाइल है वो ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू hypertext message between clients and server. HTTP clients generally use the transmission control protocol. TCP protocol generally use होता है connection to communicate with the server. तो server के साथ जो client का communication होता है, that uses the TCP protocol or TCP connection, that is the transmission control protocol. So this HTTP is the request response protocol in simple language. ठीक है, तो जैसे client request generate करेगा, उस हिसाब से server से क्या आएगा, response, that is access to the that client. So that is the HTTP simply. So ये basically जो three basic questions थे कि what is the HTTP, definition क्या है, पर्पस क्या है, वाई यूज द HTTP, ओके, हाउ डज द HTTP विल बी वर्क. सो दैट इज द आंसर. ठीक है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा गया, सो यू कैन राइट दिज एक्स्ट्रा पॉइंट्स. एंड देर आर सम बेसिक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट मेथड विच विल बी यूज फॉर द वेरियस टास्क इन HTTP. जैसे हमने देखा गेट, दैट इज request a specific resource in its entity. ठीक है, मीन्स आपको जो पेज या जो भी रिक्वेस्ट सेंड करना है, गेट करना है, सो दैट इज गो थ्रू द दिस गेट. ठीक है, सेकंड हेड, रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक रिसोर्स विदाउट द बॉडी कंटेंट. ठीक है, पोस्ट, एड्स द कंटेंट, पुट, डिलीट, ट्रेस, ऑप्शन, कनेक्शन, पैच. ठीक है, तो ये अलग अलग उसमें सेगमेंट्स है HTTP में जो यूज़ हो रहा है for the request and response from the
सर्वर एंड क्लाइंट, ठीक है। तो आज का ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम HTTPS जो प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ओके, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू।